मम्मी फिलहाल कुछ बोल रही थी। हाँ हेलो गाइस। हाँ बोलिए। टमाटर लहसुन ऑलमोस्ट सनराइज और 10-15 मिनट में हो ही जाएगा। क्या मस्त भी है गाइस। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स अबाउट कुमार विद द ब्रांड न्यू व्लॉग। सो टाइम आपको बोलना नहीं है गाइस मुझे अभी, और आपको बस टाइम दिखा रहे हैं अभी। तो ये देखिए बाहर पूरा अंधेरा है गाइस, लाइक टाइम अभी बस 5 o'clock हुआ है। सो अभी मैं जाने वाला हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। अभी नींद उठ गया था, खुल गया था मेरा गाइस 4 o'clock से, और मैंने सोचा क्यों वेस्ट किया जाए सुबह। सो इसलिए मैं जा रहा हूँ अभी मॉर्निंग वॉक के लिए, जॉगिंग के लिए बेसिकली। सो लेट्स गो फटाफट से। बाइक का चाबी ले चुका हूँ मैं, फिलहाल बाइक का चाबी गाइस ताला खोलने के लिए लिया मैं साइकिल से, ताला खोल के साइकिल में जाएंगे। सो लेट्स गो फटाफट से बाहर। अभी मुझे याद आया कि मेरा स्किपिंग रोप लेना ही भूल गया। सो ढूंढ रहा हूँ मैं उसे, कहाँ पे स्किपिंग रोप गाइस। एक तो यहाँ पे सामान का मिलना ही मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मम्मी स्किपिंग, हाँ इधर इधर, हाँ यहाँ पे है गाइस, मिल गया। एक स्किपिंग रोप निकालने के पीछे गाइस कितना मेहनत लगा। सो कोई ना, ले चुके हैं इसे फटाफट, लेट मी गो। मम्मी भी उठ चुकी है गाइस। गाइस फिलहाल पार्क वॉकर हो चुके हैं, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। अंधेरा वैसे बहुत है और धीरे धीरे सुबह हो रहा है गाइस। जस्ट वो ऑरेंज कलर का लाइट देखिए क्या मस्त है एकदम, लाइक सनराइज होने वाला है इसलिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए गाइस हम फटाफट से जाते हैं रनिंग करने के लिए। एक सेकंड वहाँ से दिखाता हूँ, वहाँ से थोड़ा बहुत एम्प्टी है, अच्छे से दिखेगा। हाँ गाइस यहाँ से देखिए, ये व्यू देखिए गाइस, बिल्डिंग्स का रिफ्लेक्शन नदी में है, बहुत ज़्यादा मज़ा है। यहाँ पे सांप को भी बहुत ज़्यादा टेंशन होता है गाइस। तो लेट्स गो फटाफट से रनिंग के लिए, और उसके बाद आकर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आजा, पता नहीं मुझे डर क्यों रहा है गाइस, ये भाग गया फिलहाल। कोई ना, हम तो जाते हैं अपना वॉक करने के लिए। डॉगी भाग गया, अपना भी एक डॉग हो गया था गाइस, उसका नाम मैं सोच के रखा है, बस एक डॉग हो जाए बस वही हो जाता। बचपन से गाइस एक ही था मैंने कि एक डॉग हम अपना खुद का खरीदे, पर कुछ कारणों के वश हम नहीं खरीद सकते, लाइक परमिशन तो मम्मी देगी या नहीं वो भी आई डोंट नो। अभी का व्यू देखिए, ऑलमोस्ट सनराइज और 10-15 मिनट में हो ही जाएगा। क्या मस्त व्यू है गाइस, एकदम सुबह सुबह ऐसा व्यू मिल जाने से आपको पूरा दिन नहीं भर जाता। सो फिलहाल टाइम वेस्ट ना करते हुए जाते हैं अपना सेकंड राउंड के तरफ गाइस। दो राउंड कंप्लीट हो गया, अभी तीसरे राउंड के लिए जा रहा हूँ। फिर भी ये डॉग ही गाइस यहाँ पे अभी तक सोया हुआ है, क्या क्यूट था, एकदम यहाँ पे था अभी और फिर से वहाँ पे चला गया लास्ट राउंड के लिए। सो यहाँ पे गाइस धीरे धीरे सुबह भी होना स्टार्ट हो गया, लाइक हो चुका ऑलमोस्ट। सो फटाफट से अपना तीसरा राउंड कंप्लीट करते, उसके बाद स्किपिंग, उसके बाद घर। गाइस फिलहाल यहाँ पे सुबह सुबह फिश भी पकड़ा जा रहा है, फिश मतलब सारे लेक के एनिमल्स जो भी मिल जाए सब पकड़ लेंगे, ऐसे नहीं गाइस बस फिश पकड़ते। सो फिलहाल यहाँ पे फिशिंग हो रहा है, एकदम राउंड सा नेचुरल बोट गाइस, एक प्लास्टिक सा, वहाँ पे ये पकड़ के फिश पकड़े। वैसे हर दिन नहीं पकड़ते, इवेंट डेज पकड़ते, जैसे मंडे हो गया, वेनसडे हो गया और एक्सेट्रा। सो फिलहाल फिशिंग कर रहे, अपना थर्ड राउंड जा रही है। सो लेट्स गो फटाफट से डू आवर थर्ड राउंड। फाइनली गाइस अपना 3 राउंड का लैप हो चुका है कंप्लीट, नाउ इट्स टाइम फॉर स्किपिंग। सो फिलहाल मैं आया हूँ यहाँ पे स्किपिंग करने, ये छोटा वाला शॉर्टकट मैं पिछले वाले ब्लॉग में बोला था। सो लेट्स डू फटाफट स्किपिंग गाइस, ऑलमोस्ट 1000 रेप्स करने वाला स्किपिंग का, ज़्यादा नहीं। सो लेट्स डू इट। सो गाइस फाइनली अपना वर्कआउट करके हो चुका है स्किपिंग के साथ। सो लेट्स गो फटाफट से घर, और घर जाके गाइस आज क्लासेस नहीं, वो मेन चीज़ है। फटाफट से पीएंगे अपना हॉट वाटर, उसके बाद लेट्स सी क्या करना, घर जाने के बाद ही पता चलेगा। सो लेट्स गो फटाफट से गाइस। फिलहाल मम्मी पापा भी मिल गए रास्ते में, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, ये लोग भी फिलहाल जा रहे हैं वॉक के लिए। फिलहाल घर को आकर हो चुका, यहाँ से अपना मेन टास्क स्टार्ट होता है गाइस, राइस बनाना, बर्तन भी साफ नहीं किया मम्मी ने बोला था, लाइक उनको लेट हो रहा था। सो पापा ने बोला कि मैं साफ कर दूंगा, लाइक मैं तो गो वॉकिंग के लिए। सो मम्मी पापा जा चुके, और ये बर्तन साफ करना है, पानी गर्म करना, और मेरे पापा कॉल करके पूछेंगे और कौन सा काम है, क्योंकि घर में तो मैं फ्री बैठा हूँ गाइस, तो काम करने में ही भलाई है। सो लेट्स गो फटाफट से काम करते हैं, और उसके बाद आकर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल मम्मी पापा का आकर हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वॉक से, और
यहाँ पे मिल्क भी लाया था मम्मी ने, सो फिलहाल मिल्क बैठा देते गाइस गैस में, और दाल भी बनाया जा रहा है, लाइक हमने बनाया था फिलहाल, सो हाँ, और बर्तन तो साफ कर ही दिया गया गाइस। शॉक टाइप लग गया गाइस। और मम्मी अभी आकर, हाँ क्या हुआ? मेडिसिन तो खाने का। कौन सा मेडिसिन? ठीक, करेला बकवास एकदम गाइस, फिलहाल करेला बनाया जाएगा दाल के साथ, तो हाँ कुछ ऐसा सही सीन है। ड्रमस्टिक ड्रमस्टिक एक ही बात है, समझ में आ गया, बस उतना ही काफी है। सारे लोग आज घर में ही है, आज सबका छुट्टी है। ट्रेन रुक हो जाएगा बोल रहा है, शाम जाने का टाइम है, ट्रेन रुक जाएगा। सो गाइस सब्जी काटने में पापा भी मम्मी का थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे थे, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। यहाँ पे करेला का कटिंग करके हो चुका है, धनिया पत्ता भी हो चुका है, प्याज भी कट के हो चुका है, और मम्मी फिलहाल टमाटो पकड़ी है कट करने के लिए। पापा जी जब कट करके होगा उनका, तब मम्मी कट करेगी। टीवी भी चल रहा है अभी, टीवी कोई देख भी नहीं रहा, टीवी ऑफ। मम्मी फिलहाल कुछ बोल रही थी। हाँ हेलो गाइस। हाँ बोलिए। टमाटर, लहसुन, एकदम ग्रीन चिली, तो उसको चटनी बना जाएगा एकदम, बहुत मस्त दिख रहा है गाइस, फर्स्ट टाइम ट्राई। करेला फ्राई है, हाँ उठाओ, नहीं नहीं गरम गरम छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। मुनगा का साग, मुनगा का साग गरम बहुत है, आ जल गया, उसमें दाल सुबह दिखाया था सुबह। ओके अभी रोटी बनने वाला है। वाह आज मजा आ जाएगा, आज पूरा लाइक पूरा देसी खाना, एकदम देसी खाना। कल पापा भी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, मेरे को चूड़ा क्योंकि और करेला थोड़ा बहुत, क्योंकि मेडिसिन लेना था पापा को सुबह सुबह बीपी का, सो इसलिए फिलहाल पापा खा रहे थे ब्रेकफास्ट। गाइस फिलहाल मम्मी आ चुकी है लॉकर के पास, एक गर्रेज खोल दी है फिलहाल मम्मी। मम्मी सोच रही है क्या दिखा रहा है, नहीं बात असल में ये कि इसका जो एनसीसी का कैसे घूर रही है गाइस, वो इसका जो एनसीसी में एक जमाने में हुआ करती थी गाइस, फेल हो गई पर सी सेट एग्जाम में, शर्म आना चाहिए, फेल हुई की पास हुई, हाँ फेल, सी सेट एग्जाम में फेल हो गई गाइस, सो हाँ इसलिए मम्मी फिलहाल इसका यूनिफॉर्म ढूंढ रही थी एनसीसी का, इसका कुछ कॉल आया था कि वापस एग्जाम देना है कुछ वैसा, सो इसलिए मम्मी फिलहाल इसका एनसीसी का ड्रेस ढूंढ रही थी गटरेज से, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। शर्म नहीं आता फेल होकर? इससे ऐसा ही उम्मीद थी गाइस, ऐसे ही बातें करती है ये रोज का इसका, छोड़ो इसे तो छोड़ो, अभी कुछ देख लेते हैं गाइस फोन में। गाइस ये देखिए ये दोनों गाइस घर में इतना झगड़ा कर रहे हैं कि मम्मी मजबूर हो गई है रिकॉर्ड करने के लिए, मम्मी फिलहाल पापा को सेंड करेगी। तुमको तो क्या रिस्क दे रहे, तुम क्यों मेरे पे रिस्क ले रही हो? मार को तो मैंने कहा जी भी, ओ सब तो देखा हुआ चीज तुम्हारा है ना, कि ये मेरा नहीं, क्यों नहीं, तुमको जितना है उतना है, तुम दूसरे का कुत्ता क्यों लेना है? क्योंकि मेरा अभी पहन के जाना, कौन है कोचिंग सेंटर में ले, चुप हो जाओ, नोट मकर 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 चुप हो जाओ। मम्मी भी एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गई, मम्मी मैं चुप रुको, दिल्ली मतलब ये नहीं कि अंबानी को मिलने जा रही हूँ, तो दिल्ली जा रही, दिल्ली कोचिंग सेंटर जा रही, मोदी जी से मिलने जा, मोदी कोई दिल्ली में नहीं रहता है। गाइस इनका झगड़ा तो चलते रहेगा, आपको लग रहा होगा कि मैंने इनके मुंह पे इमोजीज क्यों डाला है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन अभी मैं गाइस इनका कहना ये है कि मेरा चैनल ना, एक सेकंड रुको कोई नहीं, तो इनका कहना ऐसा है कि जब मेरा चैनल मोनिटाइज हो जाएगा ये लोग तब फेस रिवील करेंगे, और ये लोग ना जब मैं लाइक इनका फेस अपलोड करता हूँ वीडियोस में, तब ये लोग लाइक मम्मी से कंप्लेंट करता है, और मम्मी तो आपको बताइए बहुत ज़्यादा झगड़ा करती है घर में कि क्यों ऐसा कर रहा है ऐसा नहीं, वो लोग भी आकर के मैं फ़ोन से लाइक डिलीट कर देते हो वीडियोस, जो कि मैं इतना मेहनत से एडिट करता हूँ, उसके बाद डिलीट कर देना मतलब एकदम दिल को बहुत ज़्यादा चोट लगना है जैसा, सो इसलिए इनका फेस में इमोजीज डालता हूँ, मगर कोई ना गाइस जैसे मैं चैनल जिस दिन में मोनिटाइज होगा ना गाइस, जिस दिन भी मेरा चैनल मोनिटाइज होगा ना, सबका फेस रिवील करवाऊंगा घर में सबका फेस रिवील करवाऊंगा गाइस, पक्का, ये मेरा पक्का प्रॉमिस आपसे। अभी दोपहर का 2 बज गया और मम्मी ने अभी कपड़ा धोया था लाइक यूनिफॉर्म और बाकी सब, सो मैं अभी जा रहा हूँ गाइस सुखाने के लिए बाहर, बाहर का धूप भी यही गए बहुत ज्यादा ही हो रहा है, सो अभी लेट्स गो फटाफट से सुखाता हूँ। बाहर का सीन भी देखेंगे एकदम, सबने अपना अपना कपड़ा सुखा दिया, यहाँ पे तो रस्सी खाली नहीं है, वहाँ से अपना थोड़ा कपड़ा लाना पड़ेगा गाइस घर पे, ब्लॉग बाद में कंटिन्यू करते हैं गाइस। फिलहाल टाइम हो चुका है 5 o'clock और अभी ट्यूशन में चल रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और मम्मी फिलहाल जा रही है पापा के साथ इवनिंग वॉक के लिए,
सो हाँ गुजार एक सीन अभी होगा, बाहर जाकर व्लॉग करती है। यहाँ पे शाम भी हो गया धीरे धीरे। तो इस तरह मम्मी और पापा निकल जा रहे हैं जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, और बाइक नहीं ले रहे हैं, आते आते शाम बहुत होने वाली है। तो हाँ गाइस, पूरा ब्लॉग एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने देखा है तो। सो अपकमिंग ब्लॉग्स गाइस देखते रहना, क्योंकि कुछ सरप्राइज आने वाला है ब्लॉग्स में बेसिकली कुछ एक नया सरप्राइज आने वाला। सो पूरा ब्लॉग देखना और मेरा ब्लॉग्स देखते रहना बेसिकली। सो इसी के साथ करते हैं, नहीं कर सकते गाइस कि अपना तो आज का रूटीन का सिग्नेचर देना बाकी है, मैंने प्रॉमिस किया था। इसकी बात कर रहा था गाइस मैं, आज फॉलो किया हमने नो शुगर नो जंक फूड रेगुलर वर्कआउट गाइस, 2 आवर्स ऑफ स्टडी एक्सेप्शन जो कि हमने नहीं किया। डेली व्लॉग्स तो आ ही रहा है, सो अपना साइन डाल देते फिलहाल। और ये अपना डे 2 कंप्लीट। सो हाँ इसी के साथ करती है और अपना ये एंड, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अभी तक नहीं किया तो जाकर कर देना, इंस्टा भी जाकर फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कल आपसे मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिए टेक एंड गुड बाय।